कल यानी 31 अगस्त 2020 को भारत ने अपना एक रत्न खो दिया। प्रणब मुखर्जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह न केवल इस देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री रहे, परंतु देश के राष्ट्रपति भी रहे। आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व की कुछ उपलब्धियाँ। भारत के 13वें राष्ट्रपति, देश और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इससे पहले वे 6 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे और उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक माना जाता था। 2019 में मुखर्जी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। वे 1969 में पहली बार कांग्रेस टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र लोगों में से एक रहे हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनवाने के लिए भी उन्होंने अहम योगदान दिया। जब कांग्रेस के नेतृत्व में UPA बनी, तब उन्होंने पहली बार लोकसभा के लिए जांगीपुरी से चुनाव जीता। तब से लेकर राष्ट्रपति बनने तक मुखर्जी मनमोहन के बाद सरकार के दूसरे बड़े नेता रहे। जुलाई 2012 के चुनाव में उन्होंने PA संगमा को आसानी से हराकर राष्ट्रपति पद हासिल किया। उन्होंने निर्वोच मंडल के 70% मत हासिल किए थे। 13 जुलाई 1957 को सुब्रा मुखर्जी से विवाह हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने कई किताबें लिखी हैं, जिनके नाम है मिडटर्म पोल, बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनमी, ऑफ द ट्रैक, सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस तथा बिफोर द नेशन है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उन्हें ब्यूपर हैम्पटन और असम विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया था। जन्नत मिले यही दुआ है हमारी, राष्ट्रवीर फिर से जन्मे यही तमन्ना है हमारी। आज प्रणब मुखर्जी हमारे साथ नहीं है, पर हम ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर के चरणों में उन्हें जगह मिले।